अगर इस नवरात्र और दिवाली में आप एक सस्ता अच्छा कंप्यूटर घर में लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको बताऊंगा मात्र 6,000 रुपए के अंदर हमें सीपीयू लेकर आया हुआ है कस्टमर के लिए। उसको उसमें क्या क्या काम होगा, इसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का काम कर सकते हैं, आपके बच्चे अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तब भी इसमें काम हो जाएगा, इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं और छोटे मोटे काम जो होते हैं वो सारे होंगे और मूवी देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, मतलब सारी चीजें। तो इस वीडियो के अंदर बता दूंगा ये कितने प्राइस का है, क्या क्या प्रोडक्ट इसमें यूज किया मैंने है और आपके लिए कैसे ये बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन उसके पहले बता दूं, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे इसमें क्या क्या प्रोडक्ट लगा हुआ है और क्या क्या प्राइस का है। तो अगर जानना समझना आपको है तो पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो को देखिए तभी आप सीख पाएंगे। और उसके पहले चैनल पे हम पहली बार आए तो प्लीज लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ऐसी टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं हम आप सब लोग के लिए। चलिए शुरुआत करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कंप्यूटर मैंने कैसे लिया, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट लगा हुआ है। दोस्तों बता दूं आपको मैं कि इस वीडियो के अंदर मैं मॉनिटर की बात नहीं करूँ क्योंकि मॉनिटर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है तो इस आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, मॉनिटर इसमें एंटर कंपनी का मैंने मॉनिटर का रिव्यू किया हुआ है। और हाँ बता दूं, अगर आपको मॉनिटर लेना है किसी कंपनी का तो मैं सीपीयू के बारे में बता दूं क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग तो यही भैया होता है, मॉनिटर से दिखाने के लिए होता है। तो जान लीजिए इसमें क्या क्या पार्ट में लगा रखा है। तो 6,000 रुपये में ये सीपीयू है और इसमें देख लीजिए, पहले दिखाता हूँ आपको मैं लुक वाइज रही, एकदम फर्स्ट क्लास है, ये एकदम चमचमाता दिख रहा है आपको। अभी हम लेकर आए कस्टमर को डिलीवरी कर रहे हैं और हम सोचे कि क्यों ना आपको भी दिखा दें कि आप भी एक कंप्यूटर इस्तेमाल करवा सकते हैं, माल 6,000 रुपये का। दोस्तों चलिए बता दूं आपको मैं, इस कंप्यूटर के अंदर मैंने इस्तेमाल किया हुआ है एंटर कंपनी का मदरबोर्ड, देख लीजिए नोट कर लीजिए एंटर का ये मदरबोर्ड, सॉकेट 775 तो आता है इस समय जो है 1175 सॉकेट वो नहीं है, ये इसमें 775 सॉकेट है। इसमें क्या क्या सॉकेट पोर्ट दिए हुए आप पास लेके चलता हूँ। देखिए इसमें 4 साटा पोर्ट दिया मदरबोर्ड के अंदर, उसमें 775 एलजी जहाँ प्रोसेसर लगाते हैं सीपीयू लगाएंगे वो एलजी हो गया। इसमें सपोर्ट DDR3 रैम है, 4GB तक मैक्सिमम सपोर्ट करेगा, 2GB का दो लगा देंगे तो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, इसमें विंडोज 7 चला सकते हैं बहुत आराम से अच्छे तरीके से। जैसे PCI एक्सप्रेस स्लॉट भी दिया, इनके जो गेमिंग खेलने के शौकीन बच्चे हैं उसमें 1GB का ग्राफिक्स कार्ड लगाकर आप गेमिंग खेल सकते हैं। लैन पोर्ट दिया हुआ है, 5.1 ऑडियो पोर्ट दिया हुआ है, उसके बाद G41 चिपसेट है। ये मदरबोर्ड हमारा ये है, देख सकते हैं थोड़ा डब्बा घुमा लेता हूँ मैं, इस तरीके से मदरबोर्ड हमने इसमें अपने सीपीयू में पैक कर दिया। अब बात आती है हमने प्रोसेसर कौन सा यूज किया हुआ है। तो दोस्तों 775 अगर ले लिए है तो इसके अंदर डुअल कोर और या तो कोर 2 हम यूज किए होंगे, तो इसके हमने यूज किया हुआ डुअल कोर का। और रैम की जब बात आती है इसमें हम यूज किया DDR3 2GB रैम, मतलब 2GB का दो रैम, 4GB का रैम इसमें लगा हुआ है। अब फिर बात करते हैं हार्ड डिस्क की। देखिए मदरबोर्ड प्रोसेसर रैम अगर हो गया तो आपका डिस्प्ले आ चुका है, फिर आते हैं बात हार्ड डिस्क के लिए। तो हमने इसमें यूज किया हुआ है 500GB का रिफर्बिस हार्ड डिस्क। तो आपके मन में आएगा कि रिफर्बिस हार्ड डिस्क क्या होता है, तो बता दूं आपको मैं, पूरे इंडिया के अंदर जब बड़ी बड़ी मेट्रोपोलिटन सिटीज है वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर रहते हैं, तो हजारों की तादाद में कंप्यूटर होते हैं। तो कंपनियां जो है वो कंप्यूटर को हर साल 2-5 साल के अंदर जो है चेंज करती हैं। तो कंप्यूटर खराब नहीं होते, कंप्यूटर ठीक होते हैं, लेकिन जो बड़े व्यापारी होते हैं कंप्यूटर कंपनियों से खरीद लेते हैं, उनके जो पार्ट हैं उनको निकाल कर अपने लेवल पर सेल करते हैं, तो उसी को कहते हैं रिफर्बिश हार्ड डिस्क। अब मतलब प्रोडक्ट खराब नहीं है लेकिन कहीं कहीं यूज हुआ है उसके वजह से वो रेट कम हो जाता है और आपको वारंटी जो है डिस्ट्रीब्यूटर डीलर लेवल पर मिलता है, न कि कंपनी देती है। तो मेरी बात समझ चुके होंगे रिफर्बिश हार्ड डिस्क। अगर आज के डेट में 1TB का आप नया हार्ड डिस्क लेते हैं डेस्कटॉप के लिए लगभग 3,200 रुपीज का मिलेगा, लेकिन 500GB आपको मिल जाएगा 1,400 रुपीज का हार्ड डिस्क। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग रेट होता है, मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बात कर रहा हूँ और गोरखपुर का रेट बता रहा हूँ आपको मैं, अगर आप अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ पता कर लीजिए क्या चीज़ है। तो हार्ड डिस्क में हो चुका है। कैबिनेट मैंने यूज़ किया हुआ फॉक्सिन कंपनी का, देख लीजिए फॉक्सिन का ब्लैक कलर का, इसके अंदर दो फ्रंट में USB दिया हुआ है, साथ में एक दिया हुआ है पावर पोर्ट बड़ा वाला, उसके अंदर छोटा रिसेट स्लॉट दिया हुआ है और एक मतलब माइक्रोफोन के लिए एक स्लॉट दिया हुआ है, उसके बाद ईयरफोन के लिए मतलब आप जो है हेडफोन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है। तो मशीन तैयार हो चुका है हमारे पास में, आप मॉनिटर जो चाहें वो आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। कीबोर्ड माउस भी 400 या 300 शुरू हो जाएगा, उसके बाद हमने यूज़ किया डेल कंपनी का कीबोर्ड माउस, देख सकते हैं ये ऑप्टिकल कीबोर्ड और माउस है, ये 750 रुपीज़ का कीबोर्ड और माउस है ठीक है। तो आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, मैं बता रहा था क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग तो CPU होता है, इसलिए बस उसको खोल के भी दिखा देता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या यूज़ किया हूँ किस तरीके से। इसमें विंडो 7 लोड करेंगे क्योंकि हमको थोड़ा स्पीड चाहिए, विंडो 10 के लिए कम से कम यार मैं देखता हूँ कि अगर SSD ना हो कंप्यूटर के अंदर तो स्पीड नहीं मिल पाता है, तो हमने नॉर्मल HDD यूज़ किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये अंदर से भी इतना खूबसूरत लगा है, अंदर सब एकदम पूरा नया नया चीज़ें हैं। इसमें हम सीरियटर लगाई नहीं थी क्योंकि सीरियटर का जमाना खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके, अब सारी चीज़ें पेनड्राइव से हो जा रही हैं। अगर आपके इस पेनड्राइव के माध्यम से पोर्टल बना करके आप इसमें विंडोज लोड कर सकते हैं, आप चाहे इसमें कोई डेटा ट्रांसफर करना, सारी चीज़ें पेनड्राइव से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या स्लॉट क्या क्या पोर्ट दिए हुए हैं। तो देखिए दूर से दिखा रहा हूँ आपको मैं, देखिए दो ऊपर पोर्ट दिए हुए हैं, ये दोनों पोर्ट दिए हुए PS2 पोर्ट है,
पहला ब्लू वाला जो दिया उसमें लगता है कीबोर्ड पुराने जमाने वाला जो अब कम आता है मार्केट के अंदर, और ग्रीन वाला दिया हुआ PS240 इसमें ग्रीन वाले में माउस लगता है, ठीक है ये दोनों हो गया। उसके बाद आते हैं इंडिया पोर्ट, इसको कहते हैं बीजे पोर्ट, नीचे देखिए थोड़ा दूर से दिख रहा है आपको, ये बीजे पोर्ट है, इसमें 15 पिन होते हैं, वीडियो ग्राफिक एडाप्टर जो मॉनिटर का तार आता है डिस्प्ले के लिए वो यहाँ लगाते हैं, ठीक है समझ चुके होंगे। अब इसके अंदर 4 USB पोर्ट दिया हुआ है, ये 1, 2, 3 को इसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, इसमें कीबोर्ड माउस लगा सकते हैं, कैमरा प्रिंटर जो नॉर्मल चीज़ यूजली बेचवाते हैं उस पर लगा सकते हैं इन चारों पोर्ट के अंदर। फिर यह हमारा लैंड पोर्ट होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब इनके मान लीजिए 2-4 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करना है, डेटा ट्रांसफर करना है इंटरनेट तरीके से वो कर सकते हैं, या आपको जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल से इंटरनेट लिए हुए हैं तो आपको इस पोर्ट की जरूरत पड़ती रहती है, लैंड पोर्ट बोलते हैं, ये हो गया। फिर इसमें 3 पोर्ट दिए हुए हैं, एक माइक का दिया हुआ, स्पीकर का दिया हुआ, एक रियर स्पीकर का दिया हुआ, ये दिया हुआ। हमने SMB फॉक्सिंग का यूज़ किया हुआ देख सकते हैं, ये चमक रहा एकदम है, तो मतलब ये दोनों बंडल मिलाकर आपको 1150 रुपीज़ का हमें मिला बोर्ड के अंदर, मतलब SMB के साथ में ये आपका कैबिनेट, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ चुके हो, हमें बता आपको रहा था कि 6,000 रुपीज़ में कंप्यूटर मैंने ये बांधा हुआ है, तो बता दो कैसे हुआ संभव। जब हम मार्केट में जाएंगे देखिए हमारे गोरखपुर में तो मिल जाता है, आपके वहाँ मिल जाएगा, दुकानदार से कहिए कि मुझे एंटर का दे दीजिए या तो मुझे बंडल दीजिए G41 चिपसेट वाला, ठीक है अगर उनसे बोलेंगे तो, क्योंकि हर जगह ये चीज़ें आ रही हैं। तो बंडल में क्या होगा कि आपको मदरबोर्ड मिलेगा, साथ में आपको CPU मिलेगा डुअल कोर या 4 to 2, और आप बोलते हैं उनको 4GB का रैम चाहिए और उसके साथ में फैन भी लगा रहता है, ये मतलब सेट देते हैं, ये आपको 3300 रुपीज़ में मिल जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश गोरखपुर में 3300 अप्रॉक्स मिल जाता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग रेट होते हैं। 3300 का ये हो गया है, हार्ड डिस्क हमने दिया 1400 रुपीज़ का, जो 500 GB का हार्ड डिस्क है 1400 का हार्ड डिस्क हो गया ये, और ये कैबिनेट 1100 तक है, लगभग 6000 रुपये का जो है आप इस सिस्टम को तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर विंडोज लोड कर लीजिए, विंडोज 7 लोड करना चाहते हैं आराम से यूज़ करिए, विंडोज 8 भी लोड कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि विंडोज 7 यूज़ करिए तो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। तो बच्चे आपके घर पे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो ये CPU उनको दे देंगे दशहरा दिवाली के अंदर, बच्चे बहुत खुश होंगे क्योंकि आजकल जो है बहुत डिमांड आ रहा है CPU का, और मैं भी जो है नॉर्मली पैथोलॉजी में और नॉर्मली जो जहाँ पर स्कूल हो गया वहाँ पे ये हम आए थे, और जान लीजिए आप देखिए छोटा सा डिवाइस लगा आगे लिखा हुआ ये, ठीक है ये है। अगर आप इस CPU को चाहते हैं वायरलेस बनाते हो तो वाईफाई बनाना, तो आप इस डिवाइस को लगा करके वाईफाई लगा सकते हैं, जो मैंने बता रखा 6000 रुपये, उसके अंदर ये भी इंक्लूड है, ये 150-200 रुपये का सामान आता है उसमें 6 में इंक्लूड है, उसको बोलिए वायरलेस डोंगल के दुकानदार से वो लगा देगा, तो ये आपका यहाँ लग जाएगा USB पोर्ट के पीछे लगाइए आगे लगाइए, अपने मोबाइल के अंदर हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए, उसके बाद हॉटस्पॉट से आपका ये कंप्यूटर चलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपका ये डेस्कटॉप हो जाएगा वाईफाई, ठीक है दोस्तों। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, मॉनिटर जो चाहे ले लीजिए, कीबोर्ड माउस जो चाहे ले लीजिए, लेकिन CPU इसको असेंबल करा सकते हैं मात्र 6000 के अंदर दोस्तों। तो अपने जगह अलग रेट होगा, हमारे वहाँ रेट अलग है। वीडियो में चाहता हूँ कि आप लोग का मदद करूँ किसी न किसी बहाने से, और आप जो है थोड़ा जानकार हो जाए, आपका पैसा नुकसान ना हो के, क्योंकि अगर आपको आइडिया नहीं होंगे तो आपसे लोग जो ज़्यादा पैसा ले लेंगे। तो सस्ते में आप इस कंप्यूटर कर सकते हैं, अगर आपको कंप्यूटर चाहिए ऑनलाइन, मतलब चाहते हैं कि आप अपने मतलब इंडिया किसी कोने में रहते हैं, तो देखो भैया मैं अगर गोरखपुर से भेजूंगा आपके पास में, उसका जो है आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चार्ज लगेगा और फिर असेंबल करना सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से लीजिएगा, आपको सस्ता पड़े, क्योंकि आपको फिर बाद में वारंटी भी चाहिए होगी, तो अगर यहाँ से लेंगे तो हम वारंटी आपको देने में तकलीफ होगी, हमको भी होगी और आपको तकलीफ होगी, इसलिए प्लीज़ आप वहाँ से लीजिए। लेकिन आप प्रोडक्ट बारे में बात जान चुके हों और मुझे लगता है कि प्रोडक्ट को आपने नोट कर लिया होगा, और नोट कर लिया है तो सारी चीज़ें, अगर कोई भी अगर आपके मन में डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर पूछिएगा, मैं नॉर्मली प्रयास करता हूँ कि हर कमेंट का जवाब दे सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ किसी न किसी बात दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो समझ चुके होंगे ये, और डब्बा ये है मतलब खूबसूरत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है इसमें। आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी बता दीजिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग होंगे आज इस इंडिया के अंदर जो दशहरा के अंदर दिवाली के अंदर कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं सस्ते में अपने बच्चों के लिए, तो खरीद सकते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत। तो मैं किसी एपिसोड में किसी टॉपिक साथ मतलब